नेपाल में 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है और नेपाल ने अपना रिकॉर्ड पानी शनिवार को बिहार की कोसी और गंडक नदी में छोड़ दिया है और इन दोनों ही नदियों में बाढ़ ने 1 लाख लोगों को घेर लिया है। अब गंगा का भी जलस्तर बढ़ने का डर है क्योंकि इन नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। पटना पर सबसे ज़्यादा आफत है। सीतामढ़ी ज़िले के बेलसंड प्रखंड स्थित मधकौल गांव में बागमती तटबंध में माउस होल से हो रहे रिसाव के कारण बांध टूट गया, जिससे कि 5 गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इससे 25,000 की आबादी प्रभावित हो गई है और इस घटना ने स्थानीय समुदाय के लिए गंभीर संकट भी पैदा कर दिए हैं। प्रभावित गांवों में मधकौल के साथ साथ जाफरपुर, पंडरिया, ओलीपुर, कंसार और बसौल प्रमुख है, जहां 5 फीट तक पानी घुस गया है। आने वाले मुख्य सड़क के साथ ही ग्रामीण सड़कों पर भी पानी का बहाव काफी तेज है। आपको बता दें, गंडक नदी के अत्यधिक दबाव की वजह से 29 सितंबर को शाम 5 बजे शाम में पश्चिम चंपारण जिला में बगहा एक प्रखंड में गंडक नदी के बाएं किनारे पर चंपारण तटबंध जो कि लगभग 5 किलोमीटर पर का है, उसे क्षतिग्रस्त बताया गया है। तटबंध को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं और तटबंध क्षतिग्रस्त होने, कार्य में लापरवाही बरतने और जिला प्रशासन से उचित समन्वय ना रखने के आरोप में बगहा के पदस्थापित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक इंजीनियर निशिकांत कुमार को निलंबित किया गया है। वहीं नेपाल प्रभाग में बारिश थमने के बाद कोसी नदी के डिस्चार्ज में भी गिरावट दर्ज की जा रही है और करीब रात 1 बजे ही बराह क्षेत्र और सुबह 7 बजे से भीमनगर कोसी बराज से डिस्चार्ज में गिरावट आई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शाम को 7 बजे कल भीमनगर कोसी बराज से 3,34,290 क्यूसेक घटते क्रम में डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ है। वहीं बराह क्षेत्र से घटते क्रम में 1,88,500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ है। नेपाल प्रभाग की बात करें तो वहां कोसी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में शनिवार को देर शाम बारिश थम गई थी और इसके बाद नेपाल प्रभाग स्थित बराह क्षेत्र में कोसी नदी के डिस्चार्ज में भी कमी देखी गई। शनिवार को रात 11 से 12 बजे बराह क्षेत्र में इस साल का सबसे ज़्यादा 5,82,900 क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया। तो बिहार में बाढ़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एक अहम बैठक की जो कि खत्म हुई है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बताया कि बिहार में ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को एयर लिफ्टिंग भी कराया जाएगा और इतना ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो एयरफोर्स को लगाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फूड पैकेजिंग भी गिरवाए जाएंगे। वहीं सहरसा में नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हुई मूसलाधार बारिश और बराज से हुई अत्यधिक डिस्चार्ज से नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिससे पूर्वी और पश्चिमी कोसी तटबंध के बीच बाढ़ आ गई है। यहां बसे हुए लोगों का बाहर निकलना लगातार जारी है। रविवार को सुबह से ही पूर्वी कोसी तटबंध पर अफरा तफरी की स्थिति रही। कुछ लोग बाढ़ देखने आए थे तो कुछ तटबंध के बीच फंसे अपनों का हाल जानने के लिए आए थे और इससे तटबंध पर काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी। कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला भी बांध पर गश्त लगा रहे हैं। तो बिहार की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त डरा रही हैं बाढ़ को लेकर। बस यही प्रार्थना कर रहे हैं लोग कि नदियों का जलस्तर और ना बढ़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।